हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टू रनी एनिमेशन चैनल में। आज की ट्यूटोरियल वीडियो में बताऊंगा कि आप अपनी वॉइस को कैसे अडोबी ऑडिशन में कार्टून वॉइस की तरह एडिट कर सकते हैं। चाहे वो शेर हो, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो चुड़ैल हो, चाहे वो भूत हो और चाहे वो एक लड़की हो, आप अपनी वॉइस को कैसे इन सभी कैरेक्टर की तरह बना सकते हैं। इससे पहले आप ये सुनिए। इस समय का ना होने के बावजूद भी उसने अपने कर्तव्य निभाया। उसने समय के सभी जीवों की रक्षा के लिए पूरी शक्तियों से लड़ने में साथ दिया, लेकिन अब उसका जाने का समय हो चुका था। हमें हर वक्त कोशिश करनी चाहिए जिससे हमें जीत मिलने की संभावना हो। हमें अपनी शक्तियों को काबू में करना होगा। हम सबको एक होकर फिर से उन बड़ी शक्तियों का सामना करना होगा। तुमने मेरे बेटे की रक्षा की और उसका ख्याल रखा। मैं ये एहसान कभी भी नहीं चुका पाऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हर संघर्ष को जो चीर फाड़ देता है वो असली शेर होता है। जंगल का राजा बनने के लिए जीवों के लिए दया भी होनी चाहिए और क्रूरता भी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। कितने बेवकूफ हो तुम सब। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे इससे बचा लोगे? मुझे फिर से देखकर हैरान हो गए। इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हूँ किसी को। इस समय का ना होने के बावजूद भी उसने अपने कर्तव्य निभाया। उसने समय के सभी जीवों की रक्षा के लिए बुरी शक्तियों से लड़ने में साथ दिया, लेकिन अब उसका जाने का समय हो चुका था। हमें हर वक्त कोशिश करनी चाहिए जिससे हमें जीत मिलने की संभावना हो। हमें अपनी शक्तियों को काबू में करना होगा। हम सबको एक होकर फिर से उन बुरी शक्तियों का सामना करना होगा। तुमने मेरे बेटे की रक्षा की और उसका ख्याल रखा। मैं ये एहसान कभी भी नहीं चुका पाऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हर संघर्ष को जो चीर फाड़ देता है वो असली शेर होता है। जंगल का राजा बनने के लिए जीवों के लिए दया भी होनी चाहिए और क्रूरता भी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। कितने बेवकूफ हो तुम सब। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे इससे बचा लोगे? क्या मुझे फिर से देखकर हैरान हो गए? इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हो किसी को। ये दोनों जो आपने वॉइस सुनी, इन दो में से जो सबसे पहली जो वॉइस थी वो एडिट थी और जो सेकंड वाली वॉइस थी वो मेरी ओरिजिनल वॉइस थी। उसको मैंने एडिट नहीं किया था, बस जो कैरेक्टर थे उनके हिसाब से मैंने अपनी वॉइस को आवाज दी थी। यानी कि अगर एक चिड़िया का कैरेक्टर है तो उसको मैंने एक पतली सी आवाज दी, और एक छोटी सी चिड़िया का कैरेक्टर है उसको मैंने छोटी चिड़िया की तरह एक आवाज दी। फिर एक शेर का कैरेक्टर है उसको मैंने मोटी और खराश वाली आवाज दी। फिर एक भूत का कैरेक्टर है उसको भी मैंने खराश और मोटी आवाज दी। फिर एक चुड़ैल है उसको मैंने खराश के साथ एक पतली सी आवाज दी, क्योंकि जो लड़कियां होती है उनकी पतली आवाज होती है तो हमें खुद से ही वो पतली आवाज करनी पड़ती है। फिर उसे ऑडिशन में ले जाकर और भी अच्छे से एडिट करना होता है। ये जो वॉइसेस है वो आप भी कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप जिस कैरेक्टर की आवाज निकालने हैं वो कैसा बिहेव करेगा और उसकी वॉइस कैसे बनेगी। फिर उसको अडोबी ऑडिशन में ले जाकर उसको और भी कैसे क्लियर करना होगा। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं ये बताऊंगा कि आप अपनी वॉइस को कैसे अडोबी ऑडिशन में ले जाकर क्लियर करें और उसको किसी कार्टून स्टोरी की तरह बनाएं, चाहे लड़की हो या फिर लड़का। आप किसी भी वॉइस को उसमें एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अडोबी ऑडिशन खोल लेता हूं और मैं बाहर से एक ऑडियो फाइल लेकर आता हूं। जो मैंने अभी ऑडियो आपको सुनाई थी वही मैं इसमें एडिट करूंगा। मैं इस फाइल को सीधा ड्रैग करके अडोबी ऑडिशन में ले जाता हूं। फिर मैं यहां पर छोड़ देता हूँ। मुझे यहाँ पर छोड़ना है और आपको भी यहाँ पर ही छोड़ना है। मैं यहाँ पर इसे छोड़ देता हूँ। तो अब ये इंपोर्ट होकर इसमें आ चुकी है। फिर इस पे सीधा यहाँ पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही यहाँ पर जो ऑडियो है हमारी वो यहाँ पर आ जाती है। अब इसको प्ले करते हैं। प्ले करने के लिए आपको स्पेस बटन दबाना है। मैं यहाँ पर स्पेस बटन दबाता हूँ तो आप ये सुन रहे हैं कि ये जो वॉइस है अभी एडिट नहीं है। यानी कि ये एक कच्ची वॉइस है जिसको अभी एडिट और साफ करना बाकी है। तो मैं इसको सबसे पहले साफ करूंगा क्योंकि इसके पीछे थोड़ी सी नॉइसेस हैं। अब आपको नॉइस कैसे हटानी है, यानी कि जो बैकग्राउंड में वॉइस आती है उसको कैसे हटाना है वो मैं आपको भी बताऊंगा। यानी कि जो बैकग्राउंड में नॉइस आती है उसको मैं हटाऊंगा।
इससे पहले कि आप ये देखिए, मैंने यहाँ पर सीधा ड्रैग करके यहाँ पर ऑडियो लाया। इसको मैं यहाँ से भी डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे बस सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है, तो वो यहाँ से डिलीट हो जाती है और यहाँ से भी डिलीट हो जाती है। अब मैं फिर से लेकर आता हूँ और इसको फिर से सीधा ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ देता हूँ। पहले मैंने इसको यहाँ पर छोड़ा था, अब मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। जब मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ तो ये इम्पोर्ट होने के साथ साथ यहाँ पर भी आ जाती है। सेम वही है जो पहले हमने किया था। पहले हमने उसको यहाँ पे छोड़ा था, लेकिन इस बार हमने यहाँ पे छोड़ा। सेम एक ही चीज़ है। अब मैं इस वॉइस को क्लियर करूँगा, यानी कि जो पीछे वॉइस आ रही है, जो नॉइस आ रही है, उसको मैं हटाऊँगा। इसको मैं प्ले करता हूँ तो आप सुन सकते हैं, बिल्कुल छोटी सी एक नॉइस आ रही है, क्योंकि मैंने इसे नाइट में रिकॉर्ड किया था तो नाइट में इतना शोर होता नहीं है। मैं इसको थोड़ा आगे और ड्रैग करता हूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ सुन सकते हैं कितनी ये नॉइज़ आ रही है। तो मैं यहाँ पर ही इसको क्लियर कर देता हूँ। आपको इसको जूम करना है तो जो माउस का रोल बटन होता है, बस आपको उसको ऊपर नीचे करना है। मैं इसको आगे की तरफ करता हूँ तो ये जूम होता है, अगर मैं पीछे करूँ तो ये जूम आउट होता है, और मैं फिर से जूम करूँ तो ये जूम होता है। इसको मैं जितना चाहूँ जूम कर सकता हूँ, लेकिन इसकी भी लिमिट होती है। जहाँ तक इसके पॉइंट दिखते हैं वहाँ तक ये जूम होगा। ये जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं, ये वॉइस के पॉइंट्स हैं। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इतना जूम नहीं करना। अब मुझे इन सबको सिलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पर ये नॉइस है, हमें इसकी नॉइस को हटाना है। तो हमें ऑडिशन को बताना होगा कि हमें इस पार्ट को पूरी ऑडियो से हटाना है। अब देखिए, मैं सिर्फ इतना ही पार्ट सिलेक्ट करके ऑडिशन को बता दूंगा कि ऐसी जो नॉइस है उसे मुझे हटाना है। तो मैं इतना ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर ऑडिशन को बता देता हूँ। ऑडिशन को बताने का मतलब कि यहाँ पर इफेक्ट में जाएंगे। इफेक्ट में यहाँ पे लिखा है नॉइस रिडक्शन या रेस्टोरेशन। अब इसमें जाने के बाद यहाँ पर दो और ऑप्शन दिखते हैं। ये जो दो ऑप्शन होते हैं, इसी से ही हमारी जो वॉइस है वो क्लियर होगी। तो मैं इसको कैप्चर कर लेता हूँ, यानी कि इसे पकड़ लेता हूँ और फिर ऑडिशन को बताऊँगा। इसको मैं कैप्चर कर लेता हूँ, मैंने सिर्फ इतनी ऑडियो सेलेक्ट करके। देखिए, आपको ऑडियो सेलेक्ट ऐसे करनी है, सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है और ड्रैग करना है तो ये सिलेक्ट हो जाता है। अब मैंने इतने पार्ट को सिलेक्ट कर लिया है, यानी कि अब कैप्चर कर लिया है। अब मैं इसको बताऊंगा कि अब मैं इस ऑडियो में कितने पार्ट के नॉइज़ को हटाना चाहता हूं, तो मुझे उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे इतने पार्ट के नॉइज़ को हटाना है तो मैं इतने पार्ट को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर इफेक्ट में जाकर फिर से नॉइज़ रिडक्शन में जाना है और इस बार नॉइज़ रिडक्शन कर देना है। पहले हमने कैप्चर किया था ताकि हम ऑडिशन को बता सकें कि हमें किसको रिमूव करना है, तो वो करने के बाद फिर नॉइस रिडक्शन करना है। फिर मैं यहाँ पर नॉइस रिडक्शन करता हूँ, फिर यहाँ पर एक पॉपअप खुल कर आता है। इस पर हमें जो सेटिंग है वो आपको देख लेनी है। यहाँ पर जो सेटिंग है, ये वाली जो सेटिंग होती है, इसको आपको 100 कर देना है और इसको आपको 16। अगर ये नहीं होगा तो आप सेट कर देना और फिर अप्लाई कर देना। यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ तो आप यहाँ देखो, जो नॉइस थी यहाँ पर, जो बहुत सारी जो छोटी छोटी नॉइज थी वो कम हो चुकी है। यहाँ पर मैं प्ले करता हूँ, प्ले करने के लिए बस आपको स्पेस बटन दबाना है। तो ये जो नॉइज थी वो पहले से कम हो चुकी है। अब मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, आप देख सकते हैं पहले ये कितनी वॉइस थी। अब मैं इसको फिर से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं इतने पार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इफेक्ट में जाते हैं, फिर से नॉइस रिडक्शन में जाते हैं और फिर से कैप्चर कर लेते हैं। अब मैंने इतने पार्ट को सिलेक्ट कर लिया है, मतलब कि इतनी नॉइस को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इस पर इधर क्लिक कर दूंगा, अब मुझे किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना। अब देखिए, यहाँ पर मैं क्लिक ही कर देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैंने इस वाले जो ये पूरा ऑडियो है उसको सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इफेक्ट में जाता हूँ, फिर नॉइस रिडक्शन लगा देता हूँ और इसे अप्लाई कर देना है। ये जो सेटिंग है, अगर आप एक बार सेट कर देते हैं तो ये ऐसे ही रहेगी, तो आपको ये सेट कर देना है। फिर मैं अप्लाई कर देता हूँ। इस बार मैं अप्लाई करूँगा तो ये पूरी ऑडियो पर जितनी भी ऐसी नॉइज़ होगी जिसको मैंने कैप्चर किया था और कैप्चर करके ऑडिशन को बताया था, उतनी ही ये नॉइज़ पूरी ऑडियो से क्लियर कर देगा। मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, इसमें थोड़ा सा लोड लेगा और फिर अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी में सेलेक्ट होकर सभी में सारी नॉइज़ हटा दी। यहाँ पर भी नॉइज़ हटा दी और यहाँ पर जितनी भी नॉइज़ थी वो सब हटा दी।
यहाँ पर प्ले करते हैं तो आप सुन सकते हैं बिल्कुल भी नॉइस नहीं सुनाई दे रही। अब इसकी जो ऑडियो है उसको क्लियर करना है। इस समय का ना होने के बावजूद ये जो ऑडियो है उसमें मैंने जो डायलॉग बोले हैं वो अटक अटक के बोले हैं, यानी कि पढ़ पढ़ के बोले हैं, तो इसमें मुझे वो डायलॉग्स कट करने पड़ेंगे जो कि मुझे नहीं चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ, इस समय का ना होने के बावजूद भी, तो आप यहाँ सुन सकते हैं इसमें मैंने दो बार इस समय का बोला है, तो यानी कि जो पहला वाला है उसको मुझे हटाना पड़ेगा ताकि जो आगे का है वो इस समय का ना होने के बावजूद वो कंटिन्यू चलता रहे। अब देखिए इसको प्ले करना है तो बस आपको स्पेस बटन दबाना है तो ये प्ले हो जाता है। इस समय का ना होने के बावजूद भी उसने अपना कर्तव्य, रोकना है तो बस स्पेस बटन दबाओगे तो वो रुक जाएगा, या फिर आप यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं। इस समय का ना होने के बावजूद भी उसने अपना कर्तव्य निभाया। अगर आपको रोकना है, अगर आप यहाँ से रोकना चाहते हैं तो आप बावजूद भी उसने अपना कर्तव्य निभाया, तो आप पहले इस पे प्ले करिए, फिर इधर एक आइकन फिर से शो होगा उस पे क्लिक कर देना। उसने इस समय, तो यहाँ पर ये ऑडियो रुक जाती है। अब मैं इन सभी पार्ट्स को क्लियर करूँगा, यानी कि कट करके डिलीट कर दूंगा। ये वाला जो पार्ट है ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करके सिर्फ जो कीबोर्ड का डिलीट बटन होता है उसको प्रेस कर देता हूँ, तो वो जो पार्ट जिसको मैंने सेलेक्ट किया था वो डिलीट हो जाएगा। अब बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो पीछे की तरफ है उसको भी मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब ऐसे ही मैं आगे तरफ और प्ले करता हूँ। समय का ना होने के बावजूद भी उसने अपना कर्तव्य, इस समय का ना होने के बावजूद, यहाँ पर ये जो डायलॉग है वो दो बार रिपीट हो रहा है, तो मैं पहले वाले को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। इस समय का ना होने के बावजूद भी उसने अपना कर्तव्य निभाया। देखिए अगर आपको ये जो लाइन दिख रही है ये हमें प्ले करके दिखाती है, अगर आपको इस लाइन को यहाँ पे एकदम से ले जाना है तो यहाँ पे क्लिक करना है तो ये जो लाइन है वो यहाँ पे पहुँच जाएगी, यानी कि जो एक्स्ट्रा डायलॉग है उसको मुझे क्लियर करना है। तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कि आप कैसे सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, जो भी आपको डिलीट करना हो वो आप कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से इन सबको क्लियर कर देता हूँ। इस समय का ना होने के बावजूद भी उसने अपना कर्तव्य निभाया। उसने तो मैंने यहाँ पर पूरी वॉइस को एडिट कर लिया है। मैं इसको थोड़ा थोड़ा प्ले करके दिखाता हूँ। आप यहाँ देखिए मैं रोल को प्रेस करता हूँ और मैं इसको इस तरीके से ड्रैग कर सकता हूँ। मैं रोल के साथ बस प्रेस करना है आपको, तो ये इस तरीके से आगे और पीछे बढ़ जाता है। अब यहाँ पर क्लिक करना है और प्ले करके मैं जंगल का राजा बनने के लिए जीवों के लिए दया भी होनी चाहिए और क्रूरता भी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। तुम साहब, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे इससे बचा लोगे? जो भी एक्स्ट्रा डायलॉग थे वो मैंने डिलीट कर दिए। अब ये जो वॉइस है वो पूरी क्लियर हो चुकी है। अब हम इसमें इफेक्ट डालेंगे, यानी कि इसको और भी अच्छे से वॉइस बनाएंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पर इफेक्ट्स रैक आता है, ये जो चीज़ें होती हैं इस पे हम इफेक्ट्स डालते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत से ऑप्शन आते हैं इफेक्ट डालने के लिए। हर एक पैनल पर, यानी कि हर एक स्पेस पे, ये जो आपको 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, हर एक चीज़ पर सिर्फ एक ही इफेक्ट लग सकता है। अगर मैं यहाँ पर पिच का इफेक्ट लगाता हूँ, यानी कि पतली या फिर मोटी आवाज़ का, और अगर मैं चाहूँ इसी पर इको की साउंड लगाने का, तो वो नहीं हो पाएगा। एक ही पर सिर्फ एक ही इफेक्ट लगा सकते हैं। अगर मुझे दूसरा इफेक्ट लगाना है, जैसे कि इस पर मैंने पिच का इफेक्ट लगाया और मैं चाहता हूँ कि इस पर इको का भी इफेक्ट लगे, तो मैं न्यू पैनल पर, यानी कि इस पर जाऊँगा और फिर इफेक्ट लगाऊँगा। लेकिन आपको मैं ये बता दूँ कि यहाँ पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं लगाना। यहाँ पे जितना भी इफेक्ट लगेगा वो पूरी ऑडियो पे लगेगा, और हमें पूरी ऑडियो पे इफेक्ट नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ कुछ पार्ट्स पे ही चाहिए। यानी कि जो शेर है उसकी अलग पिच होगी, जो घोस्ट है उसकी अलग पिच होगी, जो चिड़िया है उसकी भी अलग पिच होगी। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर लिखा है मल्टी ट्रैक। इस मल्टी ट्रैक में ही हम सब अपनी अलग अलग वॉइस को एडिट करेंगे। इस मल्टी ट्रैक का मतलब होता है बहुत सारे ट्रैक्स। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक पॉपअप खुलकर आता है।
ये मुझसे मल्टी ट्रैक का नाम और फोल्डर चूज करने के लिए पूछेगा, तो मैं यहाँ पर इसका नाम मैनी डायलॉग्स मल्टी ट्रैक रख देता हूँ। अब नीचे यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन है, मतलब कि हमसे पूछ रहा है कि आप किस फोल्डर में इसको सेव करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ और मैं अपना फोल्डर भी चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है उनको हमें नहीं छेड़ना, बस यहाँ पर ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ पर पहले पूरी ऑडियो थी, अब यहाँ पर जो उसकी सेटिंग है वो चेंज हो चुकी है। यहाँ पर हमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखते हैं और यहाँ पर बहुत सारे ट्रैक्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अभी 1, 2, 3, 4, 5 ट्रैक शो हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको नीचे करता हूँ, यहाँ पर एक नीचे करने का ऑप्शन आता है, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ तो और भी पैनल यहाँ पर हमें दिखेंगे, यानी कि जो ट्रैक हैं वो दिखेंगे। हम इसकी ट्रैक्स की मात्रा और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी इन्हीं ट्रैक्स पर काम करेंगे। अब काम करने के लिए मुझे यहाँ पर ऑडियो को लाना है, तो सिंपल यहाँ पर ऑडियो पर जाना है और ड्रैग करके यहाँ पर रख देना है, तो जो ऑडियो होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। अब इसको बड़ा करके देखते हैं, बड़ा करने के लिए यहाँ पर इसको बड़ा करेंगे इस तरीके से, तो ये ऑडियो हमें पूरी तरीके से दिखेगी। अब हम इसके अलग अलग पार्ट्स करेंगे, यानी कि जितने भी इसमें डायलॉग हैं, जिन कैरेक्टर्स के भी इसमें डायलॉग हैं, उन सबको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हर एक ट्रैक पर अलग डायलॉग होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर इनको डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। अगर मुझे आगे जाना है तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है बीच में और इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो हम आगे जा सकते हैं। अब यहाँ पर प्ले करना है, प्ले करने के लिए वही यूज करना है स्पेस बटन, तो मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ। इस समय का ना होने के बावजूद भी उसने अपने कर्तव्य निभाया, उसने समय के सभी जीवों की रक्षा। मैं यहाँ से जो अलग डायलॉग है, यानी कि जो नैरेटर का जो डायलॉग आ रहा है, उसको मैं काट कर अलग रख देता हूँ और बाकी के डायलॉग्स को भी अलग रख दूंगा। तो यहाँ पर जितना भी नैरेटर का डायलॉग है उसको मैं देख लेता हूँ। जाने का समय हो चुका, ओके यहाँ तक इसका डायलॉग है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब मुझे इसको कट करना है, तो कट करने के लिए यहाँ पर एक सीजर है। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, एक सिलेक्शन टूल है जिसको हम मूव भी कर सकते हैं, फिर इसके आगे है जिससे हम इस ऑडियो को कट कर सकते हैं, फिर यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये अभी किसी काम के लिए, अभी हम इसका ही यूज़ करते हैं जिससे हम इस ऑडियो को कट कर सकें। मैं यहाँ पर बस क्लिक करता हूँ तो ये जो ऑडियो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। इसको बड़ा करते हैं, फिर सिलेक्शन टूल लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको देखिए आप दोनों ही अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। मैं इसको इस साइड करता हूँ और आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये कैसे अलग हो चुकी है। इसको कंट्रोल जेड करते हैं तो ये वापस इधर आ जाएगी। अब इसको जूम करते हैं, हमें इस ऑडियो को कुछ भी चेंजेस नहीं करनी, तो मैं इसको यहीं पर ही छोड़ देता हूं। फिर इसके आगे जाते हैं, कोशिश करनी चाहिए, वो काबू में करना होगा। ये जो वॉइस है ये ओरिजिनल वॉइस है, इसमें कुछ भी एडिट नहीं हुआ है, लेकिन इसमें अब एडिट करेंगे। मैं इसको प्ले करता हूँ, यहाँ पर दो दो फीमेल्स की आवाज है, एक छोटी सी चिड़िया और एक बड़ी सी चिड़िया। अब इन दोनों को अलग ट्रैक पे रखेंगे ताकि मैं इसका जो पिच है और भी अच्छा सा कर सकूं। तो यहाँ पर मैं प्ले करता हूँ और उसका ख्याल रखा, धन्यवाद। हर संघर्ष यहाँ तक जो पक्षी की आवाज है, जो चिड़िया की आवाज है, वो खत्म हो गई, यानी कि जो फीमेल होती है, फीमेल की जो वॉइस है वो यहाँ तक खत्म हो गई। मैं इसको कट कर लेता हूँ। अब ये भी दो पार्ट्स में अलग अलग हो चुके हैं, एक ये और एक ये। ये वाला जो पार्ट है वो एक फीमेल कैरेक्टर का पार्ट हो चुका है। इसको मैं ड्रैग करके इधर रख देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे ट्रैक हैं, तो मुझे यहाँ पर हर एक डायलॉग का अलग अलग ट्रैक्स रखना पड़ेगा। ये वाला जो ट्रैक है इस पर सिर्फ यही वॉइस रहेगी, अगर इसके आगे कोई और फीमेल की वॉइस होगी तो उसको भी मैं इसी ट्रैक पर रखूँगा। ये जो ट्रैक है अब ये फीमेल की वॉइस का ट्रैक बन चुका है। अब इसके आगे सुनते हैं, हर संघर्ष को जो चीर फाड़ देता है वो असली शेर होता है, जंगल का राजा बन। मैं फिर से इस सीजर टूल को ले लेता हूँ, जो ब्लेड टूल जिससे हम
जिससे हम ऑडियो को कट कर सके। मैं यही टूल ले लेता हूँ और फिर प्ले करता हूँ। जीवों के लिए दया भी होनी चाहिए। यहाँ तक ये जो डायलॉग है वो खत्म हो जाता है। फिर डायलॉग जो शुरू होता है इस कैरेक्टर का, ये जो कैरेक्टर है ये बड़ा सा मॉन्स्टर कैरेक्टर है, इसको भी मैं अलग ट्रैक पर रखूंगा। तो पहले मैं इसे कट कर लेता हूँ और फिर सिलेक्शन टूल लेकर इसको अलग ट्रैक पर रख दूंगा। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ नीचे की तरफ ले जाऊंगा और यहाँ पर रख दूंगा। अब शिफ्ट के साथ इसलिए नीचे ले जाना है ताकि वो सीधा नीचे जाए, इधर उधर ना जाए। इसको फिर से नीचे ले जाता हूं। अब यहां तक जो मॉन्स्टर की वॉइस है वो खत्म हो जाएगी। यहां पर इसको फिर से सेलेक्ट करना है और प्ले करके देखना है। यहां से अलग वॉइस शुरू हो रही है, तो यहां पर मैं इसको कट कर लेता हूं और फिर इसको भी अलग ट्रैक पर रखेंगे। तो मैं इसको नीचे वाले पर रख देता हूं। आप ये देखिए, इस वाले ट्रैक पर ये फीमेल की वॉइस है, इस वाले ट्रैक पर ये लायन की वॉइस है, और इस वाले ट्रैक पर ये घोस्ट की वॉइस है, और इस वाले ट्रैक पर ये अभी जो नैरेटर है जिसकी हमें नॉर्मली वॉइस रखनी है वही है। अब इसको यहाँ से प्ले करते हैं। कितने बेवकूफ हो तुम सब, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे इससे बचा लोगे। यहाँ पर ये जो वॉइस आ रही है ये घोस्ट की वॉइस है, तो इसको भी कट कर लेते हैं क्योंकि आगे जो वॉइस आएगी वो फीमेल घोस्ट की वॉइस होगी। तो मैं इसको सीजर टूल से कट कर लेता हूँ और फिर सिलेक्शन टूल से इसको अलग ट्रैक पर रखूंगा। अब देखिए यहाँ पर ये घोस्ट की वॉइसेस हैं, तो इसको हमें दो दो ट्रैक्स पर रखना होगा। इसको भी मैं नीचे रख लेता हूँ, इधर से मैं इसको नीचे करूँगा, फिर इसको मैं फिर से नीचे ले जाऊँगा ताकि मैं इसको दो बार कर सकूँ। फिर यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है, फिर ऑल्ट के साथ ऑल्ट प्रेस करना है, फिर ऑल्ट के साथ ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे। यहाँ पर ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करना है ताकि वो सीधे नीचे जाए, इधर उधर ना जाए। तो मैं यहाँ पर ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी कर दी है। ये और ये दोनों एक ही ऑडियो है। मैं यहाँ पर प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए अगर आपको आगे की तरफ ड्रैग करना है तो सिर्फ सेलेक्ट करके इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। अब मैं इधर प्ले करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको आगे कर देता हूँ और इसको भी आगे अब प्ले करता हूँ। बेवकूफ हो तुम सब, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे इससे बचा लोगे। कितने बेवकूफ हो तुम सब। तो आप यहाँ सुन सकते हैं ये दोनों ऑडियो सेम है। अब मैं इसको वापस यहाँ पर रख देता हूँ, अब इसको भी यहाँ पर रख देता हूँ। इन दोनों में थोड़ा सा गैप होना चाहिए क्योंकि इसमें इको साउंड भी आएगा। अब ये जो लाइंस दिख रही हैं ये सी प्रेस करने पर आती हैं। इसका जो शॉर्टकट है वो आर है। अगर आपको ये लाइन हटानी है तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है सेलेक्ट करके और डिलीट मार्कर कर देना है, तो ये डिलीट हो जाएगा। इसे भी सेलेक्ट करना है और डिलीट मार्कर कर देना है, सेव इसको भी। अब इसको प्ले करके देखते हैं। यहाँ पर ये जो वॉइस है ये दो दो एक जैसी वॉइस है, तो ये थोड़ी और लाउडली सुनाई दे रही है। लेकिन अब मैं इनमें पिच चेंज करूँगा और इसमें भी पिच चेंज करना है, और इसको भी मैं दो दो रख देता हूँ, एक ऊपर और ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा, तो ये इसकी कॉपी बन जाएगा। ठीक है, जो घोस्ट की वॉइस होती है उसको हमें दो ट्रैक पर एक जैसी रखनी है। अब ऊपर जाते हैं। अब ये जो वॉइस है इसकी जो पिच है और चेंज करते हैं। तो यहाँ पर इस ट्रैक को सिलेक्ट करना है। देखिए जिस ट्रैक को आप सिलेक्ट करके एडिट करेंगे तो वही ट्रैक एडिट होगा। तो मैं इस ट्रैक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ। देखिए यहाँ पर वही ऑप्शन है जो हमें बाहर दिखाई दे रहा था, लेकिन इसमें ये फ़र्क है कि आप हर एक ट्रैक पर अलग अलग ऑडियो में अलग अलग पिच चेंज कर सकते हैं, या फिर इको साउंड दे सकते हैं, या फिर एक भारी आवाज़ दे सकते हैं। मैंने इस ट्रैक को सेलेक्ट कर रखा है। अब फिर यहाँ पर फर्स्ट पर ये जो एरो है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर लिखा है टाइम एंड पिच, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर जाना है, यहाँ पर लिखा है पिच एंड शिफ्टर, इस पर क्लिक कर देंगे तो एक पॉपअप खुलकर आएगा। इसको मैं आगे की तरफ करता हूँ और यहाँ पर इसे प्ले करता हूँ। तो ये जो वॉइस है वो काफ़ी पतली हो गई। अब इसको मैं पीछे की तरफ करता हूँ, यानी कि माइनस की तरफ, और प्ले करता हूँ। हमें अपनी शक्तियों को काबू। तो ये मोटी हो गई।
ये जो चीज़ होती है ये और भी अच्छा क्लियर करने के लिए होती है। अगर मैंने इसको माइनस में कर रखा है और इसको भी मैं माइनस करता हूँ तो ये साफ तरीके से सुनाई देता है। गंदा होगा, हम सबको एक होकर फिर से। अगर मैं इसको प्लस में रखता हूँ यानी कि 4 पर और इसको भी 11 पर यानी कि आगे की तरफ अब प्ले करता हूँ तो ये काफ़ी पतली आवाज़ हो रही है। मुझे सिर्फ इसको थोड़ी सी ही पतली आवाज़ करनी है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको पतली आवाज़ में ही रिकॉर्ड किया था। तो मैं इसको 1 पर रखता हूँ और इसको 8 पर अब इसको प्ले करता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा और करता हूँ। आप यहाँ से भी जो इसकी काउंटिंग है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको 4 करना है तो 4 कर सकते हैं, 2 करना है तो 2 कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। शक्तियों को काबू में करना होगा, हम सबको एक होकर फिर से। तुमने मेरे बेटे की रक्षा की। मैं इसको इतना ही रखता हूँ, अब इसको हटा देते हैं। अब न्यू पैनल पर जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फीमेल वॉइस के लिए और भी एडिट करते हैं। यहाँ पर हमने टाइम एंड पिच को देखा था, अब हम यहाँ पर फिल्टर एंड एक्यू पे जाएंगे। इसमें दो ऑप्शन पे हमें वर्क करना है, एक FFT फिल्टर और एक साइंटिफिक फिल्टर। मैं सबसे पहले इस पे जाता हूँ और यहाँ पर इसको डिफॉल्ट ही रहने देना है। ये जो पैनल है इस पे हमें बस थोड़ी सी सेटिंग करनी है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक पॉइंट आता है, इस पॉइंट को ही हमें ऊपर नीचे करना है। ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं नीचे कर देता हूँ, फिर इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाएगा, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। सिर्फ यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लगाए, एक पॉइंट को मैंने यहाँ पर ही छोड़ा, एक पॉइंट को ऊपर, और जो फर्स्ट वाला पॉइंट था उसको मैंने पूरा नीचे कर दिया। अब यहाँ पर प्ले करते हैं। अगर मैं इसको ऊपर कर देता हूँ इस तरीके से तो काबू में करना होगा, हम सबको एक हो। तो इसमें थोड़ी थोड़ी फटी सी आवाज़ सुनाई देती है। अब मैं इसको फिर से वापस कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको नीचे की साइड इधर कर देता हूँ, ज़्यादा ऊपर नहीं, और इसको प्ले करते हैं। शक्तियों को काबू में करना होगा। बस मैं इसको इतना ही छोड़ देता हूँ और इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पर एक और लास्ट चीज़ है, इस पर क्लिक करना है, फिर से इस पर जाना है और साइंटिफिक फिल्टर पे जाना है। यहाँ पर इसको ड्रॉप ऑफ बिलो कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत से ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर हमें सिर्फ ड्रॉप ऑफ बिलो कर देना है और इधर 100 कर देना है। तो मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ, फिर इसे यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए जो मैंने सेटिंग करी है, जो मैंने इस ट्रैक पर सेटिंग करी है वो मैंने फीमेल वॉइस के लिए करी है। अगर आपकी पिच कम लगती है तो आप यहाँ पर फिर से जाकर पिच को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये जो पिच है जैसी मैंने फीमेल की वॉइस निकालना चाहता हूँ वैसी नहीं निकलनी, तो मैं इसकी जो पिच है वो मैं बढ़ा दूंगा और यहाँ से भी थोड़ा बढ़ा दूंगा, तो फिर जो वॉइस होगी वो और भी पतली हो जाएगी। मैं इसको वापस नॉर्मल कर देता हूँ और इसको भी अब हटा देते हैं। अब इसको सुन के देखते हैं। तो इसकी जो वॉइस है वो एक पतली सी हो चुकी है, यानी कि जैसी जो फीमेल की वॉइस होती है वैसी हो चुकी है। हमें फीमेल की वॉइस के लिए, आपको फीमेल की वॉइस के लिए ये जो 3 चीज़ें होती हैं वो कर लेनी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पे जाते हैं, अब इससे प्ले करते हैं। यहाँ पे जो वॉइस है वो मैंने लायन की क्रिएट करने की कोशिश करी है, यानी कि अपने गले से ही खुद से ही लायन की एक वॉइस रिकॉर्ड की है। अब मैं इसको एडिट करता हूँ यानी कि और भी अच्छे से बनाऊंगा। तो इसके ट्रैक को सिलेक्ट करना है जिस पे मैंने लाइन की वॉइस को रखा है और फिर इधर जाते हैं। अब ये देखिए मैं इस ट्रैक पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जितनी भी मैंने सेटिंग करी थी वो यहाँ पर शो होती है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ भी एडिट नहीं करा था तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पर और फिर यहाँ पर इसको प्ले करता हूँ, हर संघर्ष को जो चीज, तो ये जो वॉइस है वो पतली हो चुकी है क्योंकि इस वाले ट्रैक पर फीमेल वाली मैंने सेटिंग कर रखी है, तो इसकी आवाज थोड़ी सी पतली हो गई है। चीर फाड़ देता है, वो असली शेर होता है, जंगल का राजा। अगर मैं इसको वापस यहाँ लाता हूँ और प्ले करता हूँ तो ये एक नॉर्मल आवाज हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी सेटिंग नहीं हुई है।
अब मैं इसको एडिट करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करना है और फिर से टाइम एंड पिच में जाना है, फिर पिच शिफ्टर को सिलेक्ट करना है। अब इसकी वॉइस है उसको मोटी करनी है, क्योंकि जो शेर की वॉइस होती है उसे मोटी ही थोड़ी सी करनी चाहिए ताकि वो अच्छी लगे। तो मैं इसको थोड़ी सी मोटी कर देता हूँ और प्ले करता हूँ। वो असली शेर होता है, जंगल का राजा। अब जो इसकी वॉइस है वो अब अच्छी सी लग रही है। अब यहाँ पर जो इसकी वॉइस है वो ऐसे ही छोड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि और भी मोटी करें तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, वही जो ऑप्शन होता है, वही जो हमने सेटिंग कर रखी है वो यहाँ पर आ जाती है। इसको मैं पीछे करता हूँ और प्ले करता हूँ। वो असली शेर होता है। तो ये कुछ ज़्यादा ही मोटी हो रही है, इसको मैं 2 पर ही कर देता हूँ और प्ले करता हूँ। इसको जो चीर फाड़ देता है। यहाँ पर ये प्लस में गई है यानी कि ये पतली हो गई है, इसको हमें -2 कर देना है और प्ले करना है। जो चीर फाड़ देता है वो असली शेर होता है। तो इसकी जो वॉइस है अब अच्छी लग रही है। जंगल का राजा बनने के लिए जीवों के लिए दया भी होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पर जाते हैं। अब ये जो वॉइस है इसको सुनेंगे। मैं तुम्हारे साथ। अब इसकी वॉइस को हम ईगो में करेंगे, यानी कि जो मॉन्स्टर की वॉइस है वो और भारी और ईगो में अच्छी लगेगी। तो इस पे जो इसका ट्रैक है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पिच में जाते हैं, यानी कि टाइम एंड पिच में, फिर पिच शिफ्टर में। अब इसकी वॉइस को मैं 4 पर रख देता हूँ और इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। अब प्ले करते हैं। चलूंगा मैं तुम्हारे साथ, चलूंगा तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। तो इसकी जो वॉइस है वो काफी भारी हो चुकी है और एक मॉन्स्टर की तरह सुनाई दे रही है। अब इसको हटा देते हैं। अब फिर से इसी ट्रैक को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर नीचे वाले एरो पर जाना है। अब इसमें एक ऑप्शन आता है रिवर्ब, रिवर्ब पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आ रहा है स्टूडियो रिवर्ब, ये जो आपको दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। अब इसमें हमें थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो डिफॉल्ट लिखा है इसको अभी डिफॉल्ट ही रहने देते हैं और प्ले करके देखते हैं कि जो इसका इफेक्ट है वो कैसा आ रहा है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल हल्की सी ईगो साउंड सुनाई दे रही है, तो मैं इसको और भी ज्यादा करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर फिर से क्लिक करना है और फिर वॉइस रिवर्ब में जाना है। यहाँ पे मीडियम है, इसको सेलेक्ट कर लेना है और फिर प्ले करके देखते हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि ये किसी गुफा के अंदर से बोल रहा है, लेकिन हमें सिर्फ इसमें हल्की सी ईगो डालनी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको 100 कर देता हूँ और प्ले करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। और फिर इसको भी मैं बढ़ा देता हूँ। तुम्हारे साथ चलूंगा। आप ये देखिए ये जो साउंड है, मैं इसको बढ़ाते ही ये ज्यादा ही ईगो वाली हो गई, तो मैं इसको कम कर देता हूँ और प्ले करता हूँ। तुम्हारी रक्षा कर, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। थोड़ा और बढ़ाते हैं। तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। तो अब मैं इसे इतना ही छोड़ देता हूँ और यहाँ से हटा देते हैं। अब फिर इस पे जाते हैं। ये जो वॉइस है ये घोस्ट की वॉइस है, इसको नीचे करते हैं और इसको आगे की तरफ देखते हैं। कितने बेवकूफ हो तुम सब। अब देखिए ये दो वॉइस है, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, ये दोनों सेम है। तो मतलब कि मैंने इनको अलग अलग इसलिए किया है ताकि मैं इन दोनों पर अलग अलग तरीके से सेटिंग कर सकूं, यानी कि अलग अलग एडिट कर सकूं। सबसे पहले मैं इस पर एडिट करता हूं। पहले तो आप ये सुनिए, ये जो ऑडियो है बिल्कुल सेम प्ले हो रही है एक ही वॉइस में, लेकिन जब मैं इसमें पिच चेंज करता हूं तो इसकी जो वॉइस है वो और भी ज़्यादा वो डिफरेंट हो जाती है। मैं सबसे पहले इसकी पिच चेंज करता हूं। यहां पर क्लिक करूंगा, टाइम एंड पिच में जाना है, फिर पिच शिफ्टर में यहां से जो इसकी वॉइस है वो मैं मोटी कर देता हूं। यहां पर -2, इसको थोड़ा सा पीछे। अब प्ले करते हैं तो आप सुन सकते हैं थोड़ा सा ये गोश्त की तरह इफेक्ट दे रहा है। कितने बेवकूफ हो तुम सब। इसको मैं और भी बढ़ा देता हूँ, इसको मैं 3 पर रख देता हूँ और प्ले करता हूँ। कितने बेवकूफ हो तुम सब।
अब नीचे वाली ट्रैक पे जाते हैं, इसको भी मैं पिच पे जाता हूँ और इसको आगे की तरफ कर दूंगा। यहाँ पे मैं 2 पर कर देता हूँ और प्ले करता हूँ। कितने बेवकूफ हो तुम सब, तुम्हें क्या लगता है? अब मैं इसको इतना ही छोड़ देता हूँ। अब फिर इस पे क्लिक करना है और फिर इस पे नीचे वाले पे जाकर इसमें रिवर्ब पे जाएंगे और स्टूडियो रिवर्ब में, वही स्टूडियो रिवर्ब जो हमने इस पे अप्लाई किया था, जो मॉन्स्टर पे अप्लाई किया था वही हम इस पे भी जाएंगे। यहाँ पर हमें फिर से इस पे क्लिक करना है और फिर से वोकल रिवर्ब मीडियम कर देना है। अब प्ले करके देखते हैं। कितने बेवकूफ हो तुम सब, तुम्हें क्या लगता है? तुम मुझसे इसे। अब यहाँ पर जो उसकी वॉइस है उसका आउटपुट लेवल यहाँ पर 100 कर देते हैं और इसको थोड़ी सी और इको साउंड दे देते हैं। अब इसको प्ले करते हैं। कितने बेवकूफ हो तुम सब, तुम्हें क्या लगता है? तुम मुझसे इसे बचा लोगे? थोड़ी सी और। कितने बेवकूफ हो तुम सब, तुम्हें क्या लगता है? बस इसको इतना ही रखते हैं। अब नीचे वाले ट्रैक को सिलेक्ट करते हैं और इसमें भी हम रिवर्ब का ऑप्शन डाल देते हैं। यहाँ पे रिवर्ब पे जाना है और स्टूडियो रिवर्ब पे जाना है। यहाँ पर इसको मीडियम करेंगे और प्ले करते हैं। कितने बेवकूफ हो तुम सब, तुम्हें क्या लगता है? तुम मुझसे इससे बचा लोगे? तो आप सुन सकते हैं किस तरीके से की जो वॉइस है वो एक घोस्ट की तरह हो चुकी है। कितने बेवकूफ हो तुम सब, तुम्हें क्या लगता है? अब नेक्स्ट पर जाते हैं। ये जो वॉइस है ये एक फीमेल की वॉइस है, यानी कि इसमें हमें वही सेटिंग करनी पड़ेगी जो हमने फीमेल वाली ट्रैक पर करी थी, यानी कि इधर जो हमने इस पे करी थी। अब ये देखिए ये जो सेटिंग है सेम इस पे ही करना है, तो इस पे ही करना है तो मैंने उसको उसी ट्रैक पर क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये घोस्ट की वॉइस है, तो घोस्ट की वॉइस और फीमेल की वॉइस में काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको अलग रखा है और इसकी कॉपी करके भी अलग रख दिया। अब मैं इसमें वही इफेक्ट लगाऊंगा जो मैंने फीमेल के लिए लगाया था। पहले इसको प्ले करते हैं। क्या मुझे फिर से देख कर रहा? ठीक है, हम इस पे पिच को चेंज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टाइम एंड पिच पे जाते हैं, पिच शिफ्टर में जाते हैं और यहाँ पर इसकी जो वॉइस है वो पतली करेंगे, क्योंकि जो गर्ल की वॉइस होती है वो पतली ही होती है। इसको मैं 2 तक रख देता हूँ और इसको मैं हल्का सा आगे कर देता हूँ और फिर इसको हटा के देखते हैं। ओके, इसकी वॉइस हम ऐसे ही रखते हैं। अब नीचे वाली जो वॉइस है उसका भी जो पिच है वो भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, मैं इसको 1 तक ले जाता हूँ और प्ले करके देखते हैं। मुझे फिर से देख कर हैरान हो गए, इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हो किसी को। ठीक है, हम इसको ऐसे ही रखते हैं। अब इस पे जाते हैं, अब नीचे वाले पे जाना है। इस पे अब हम नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्लिक करना है और फिल्टर एंड एक्यू पे जाना है। इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर FFT फिल्टर है, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे फिर से उसी पॉइंट को सेट करेंगे जो हमने पहले सेट किया था। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको ऊपर कर देंगे और छोड़ देंगे। फिर नीचे जाना है और फिर से फिल्टर पे जाना है और यहाँ पर साइंटिफिक फिल्टर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर बस हमें ड्रॉप ऑफ विलो को सिलेक्ट करना है और इसका जो कट ऑफ है उसको 100 कर देना है और इसे भी हटा देना है। अब प्ले करके देखते हैं। मुझे फिर से देख कर हैरान हो गए, इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हो। ठीक है, हम इसको ऐसे ही रखते हैं। अब इस पे हम इको साउंड लगाएंगे, यानी कि स्टूडियो रिवर्ब लगाएंगे। तो इसका जो ट्रैक है उसको सिलेक्ट ही रहने देना है। फिर यहाँ पे जाना है नीचे वाले पर, उसको सिलेक्ट करना है, फिर रिवर्ब में जाना है, फिर स्टूडियो रिवर्ब में। अब यहाँ पर जो इसकी सेटिंग है वही रखेंगे, वोकल रिवर्ब मीडियम, इसको हम 100 कर देंगे और इसको और आगे करके प्ले करके देखते हैं। किसी को? मुझे फिर से देख कर हैरान हो गए, इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हो किसी को। तो आप सुन सकते हैं इसकी जो वॉइस है, जो चुड़ैल की वॉइस है, वो भी एक चुड़ैल की तरह हो चुकी है। मुझे फिर से देख कर हैरान हो गए, इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हो किसी को। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं एक को लगाता हूँ और टाइम एंड पिच पर यहाँ पर इसको लगा देता हूँ। इसको मैं पीछे कर देता हूँ और हटा देता हूँ।
अब इसे प्ले करते हैं। मुझे फिर से देखकर हैरान हो गए, इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हो किसी को। तो इसकी जो वॉइस है वो पहले से ज्यादा मोटी हो चुकी है। अगर आपको इसे हटाना है तो यहाँ पर बस राइट क्लिक करना है और यहाँ पर रिमूव सेलेक्टेड इफेक्ट्स आ रहा है, यानी कि जिसको आपने सेलेक्ट कर रखा है उसे रिमूव करना है तो इसे क्लिक करो। अगर आपको सारे इफेक्ट डिलीट करने हैं तो आप रिमूव ऑल इफेक्ट कर दो, लेकिन मुझे सारे नहीं करने, सिर्फ एक ही करना है जिसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। सिर्फ यही जो इफेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। अब इस फाइल को सेव कर लेते हैं, जो भी हमने एडिट किया है उसे हम सेव कर लेंगे। तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पर सेव कर देंगे, लेकिन जो इसकी ऑडियो है वो नहीं निकलेगी। सेव करने से इसकी जो ऑडियो होती है वो नहीं निकलती, इसको हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे हम एनिमेट में वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर फाइल पे जाता हूँ, फाइल पे जाकर यहाँ पर है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे जाना है और फिर यहाँ पर लिखा है मल्टी ट्रैक मिक्स डाउन, इस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर है एंटायर सीजन, इस पर क्लिक करना है, तभी जो आपकी ऑडियो है वो एक्सपोर्ट होगी। यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि आप इसका क्या नाम देना चाहते हैं। मैं इसका नाम अभी यही रखना चाहता हूँ जो अभी है, यानी कि मेरी डायलॉग्स मल्टी ट्रैक। अब इसका जो फोल्डर है वो चूज कर लेते हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और फिर मैं अपना फोल्डर चूज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। बस आपको इतना ही करना है और ओके कर देना है। अगर आपको जो ऑडियो है वो वेव में चाहिए या फिर MP3 में, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आपको MP3 में चाहिए तो आप यहाँ पर MP3 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको वेव में ही यूज़ करता हूँ तो मैं वेव कर लेता हूँ और ओके कर दूंगा। अब ये जो फाइल है अब वो एक्सपोर्ट हो रही है। एक्सपोर्ट होने के बाद जो हमारी फाइल है वो यहाँ पर है। अब इसको हम प्ले करते हैं। इस समय का ना होने के बावजूद भी उसने अपने कर्तव्य निभाया। उसने समय के सभी जीवों की रक्षा के लिए पूरी शक्तियों से लड़ने में साथ दिया, लेकिन अब उसका जाने का समय हो चुका था। हमें हर वक्त कोशिश करनी चाहिए जिससे एम्बर जीत बनने की संभावना हो। हमें अपनी शक्तियों को काबू में करना होगा। हम सबको एक होकर फिर से उन बड़ी शक्तियों का सामना करना होगा। तुमने मेरे बेटे की रक्षा की और उसका ख्याल रखा, मैं ये एहसान कभी भी नहीं चुका पाऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हर संघर्ष को जो चीर फाड़ देता है वो असली शेर होता है। जंगल का राजा बनने के लिए जीवों के लिए दया भी होनी चाहिए और क्रूरता भी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। कितने बेवकूफ हो तुम सब, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे इसे बचा लोगे? मुझे फिर से देखकर हैरान हो गए, इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हो किसी को। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। आई होप आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू एंड बाय।